सागर को भी आज ही छुट्टी पे जाना था। किसे बोलूं? एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप फिल्म स्टार सना है? जी नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं है, मैं ही सना। फिलहाल अगर मेरी कोई गाड़ी बना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी मेहरबानी की क्या बात है, जब फिल्मों में काम नहीं बना तो गाड़ी ठीक करके पेट पालता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करें कि आप मेरी गाड़ी ठीक कर दें, मैं भी आपका पेट पालने के लिए आपको कुछ पैसे दे दूँगी। जी गाड़ी ठीक करना तो मेरे सीधे पैर का काम है, मतलब सीधे हाथ का काम है। गाड़ी ठीक कर लेंगे ना आप? तो प्लीज़ ज़रा जल्दी कर दें, मुझे शूट पर जाना है। अगर आपको इतराज़ ना हो तो पास में मेरा बंगला है। बंगला? आप बैंगलोर में रहते हैं? नहीं नहीं, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड का है, नीलम मुनीर, जानती होंगी आप, बहुत बड़ी स्टार है, मैं तो उनके बराबर में रहता हूँ। Are you sure? आप ही नीलम के बॉयफ्रेंड हैं? जी जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको मिलवा देता हूँ और आपकी गाड़ी भी ठीक कर देता हूँ। हाँ हाँ, अब वो मेरी गाड़ी चाबी इसके अंदर ही है। ठीक है ठीक है, मैं बना बनाता हूँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार आ जाते हो अपनी बेइज्जती करवाने? ओ एक्सक्यूज मी, आज के दिन पहली बार आया हूं ना। OMG, आप फिल्म स्टार सना है ना? आए आए आप अंदर आए, वहां क्यों खड़ी हैं आप? जी जी, वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ये नीलम का घर है ना? नीलम अंदर है? आप इससे क्यों पूछ रही हैं? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो अंदर ही है। ओ हेलो, मैडम से कहो आदल उन्हें फिल्म स्टार सना से मिलवाने आया है। एक मिनट, कोई किसी को किसी से नहीं मिलवाएगा, मैं नीलम को अच्छी तरह जानती हूँ और फ़ोन नंबर भी है मेरे पास, अभी मिलाती हूँ। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, एटलीस्ट स्टार की इज्जत का तो ख्याल कर लिया करो। तुम्हें बात हेलो सना, कैसी हो? मैं तो ठीक ठाक, पर तुम हो कहाँ? मैं शूट पे हूँ। तो तुम घर पर नहीं हो? घर पे? ओह माय गॉड, आई गेस यू आर किडिंग राइट? वक्त किसके पास है घर पे रहने का, यू नो, शूट शूट शूट, मैं तो बहुत ही बिजी हूँ आजकल। एक मिनट रुकना। हाँ हाँ आई, आई एम सॉरी, आई एम सो बिजी, वो डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, मेरा शॉट रेडी है, बाद में बात होगी। हाँ नीलम, हाय, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे वाह, तुम तो बड़ी नेचुरल एक्टिंग करती हो। हाँ बस क्या करें, आपसे ही सीखा है। यहाँ कैसे आना हुआ? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे यहाँ लेकर आया है। What? मेरा बॉयफ्रेंड आपको क्यों यहाँ लाएगा? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी यहाँ। हाँ तो आपकी गाड़ी से मेरे बॉयफ्रेंड का क्या लेना देना? वो लड़का जो मुझे यहाँ लेकर आया है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर छोड़ो ना, बहस किस बात की। एक सेकेंड। हाँ हेलो, हॉलीवुड से? ओ माय गॉड, आप टाइटैनिक के डायरेक्टर हैं, मुझे कास्ट करना चाहते हैं? लेकिन आई एम सॉरी, 2018 तक मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे सुना रही है। हाँ बाय नीलम, इतनी बड़ी ऑफर सेकंडों में ठुकरा दी तुमने। सेकंड कहाँ, 8 सेकंड लगे मुझे।
अच्छा वैसे अब तुम आए गए हो तो यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर आओ ना मेरे रूम में, बातें करते हैं। हाँ ठीक है चलो। सुना है आज तो बड़े बड़े स्टार्स आए हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। बस मैं तो दुआ करती हूँ एक बार वो बंदा मिल जाए जो आपको बताता है यहाँ कौन कौन आता है। बंदा हमारी किस्मत में कहाँ। अरे कमाल है, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं किस एंगल से आपको शादीशुदा लगती हूँ? हर एंगल से। डायमंड की कदर ना सिर्फ जौहरी ही जानता है। अच्छा तो ये जौहरी कब और कहाँ मिलेंगे आपको? जब उसकी किस्मत फूटेगी। क्या कहा आपने? मैंने आंटी एक्चुअली मैं कह रही थी कि अपना चेहरी है ना वो नया मेकअप लेकर आया आपको ढूंढ रहा था, कहता है पहले मैं आंटी पे ट्राई करूंगा, आप जाके उससे मिल लेना। है वाकई में? कहाँ है चेहरी? मैं जाती हूँ, खुद ढूंढ लेती। जी जी बिल्कुल चेहरी। इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता था। देखो नीलम मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया? गाड़ी की चाबी। चाबी? तो गाड़ी का? वाकई? तो गाड़ी कब खरीदोगे तुम? तो जहर सी बात है, कोई 50 रुपए में चाबी थोड़ी बना के लाया हूँ। असली गाड़ी भी लाया हूँ। कहाँ से ली? बस है हमारे भी कुछ चाहने वाले, गिफ्ट की थी। वाह क्या बात है तुम्हारे चाहने वालों की। बस हमारी कोई चाहत को समझ आए। तुम किसे चाहते हो? मैं? अरे भैया बहुत शुक्रिया। और ठीक हो गई मेरी गाड़ी? हाँ आपकी गाड़ी के चक्कर में मेरी जिंदगी की गाड़ी रोड पे आ गई। अब इतनी खराब हो गई थी गाड़ी क्या? जिंदगी की जो थी। अच्छा सुनो एक काम कर दो। हाँ सुन लो, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। हाँ कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ खाने की याद है। कितनी बड़ी स्टार है, ये खाना तो लाना पड़ेगा ना। तुम्हारा होगा मेरे सब काम होगा। बहुत सारे कपड़े लिए वो दिखाने हैं तुम्हें, बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा ठीक है दिखा दो। आंटी सारा का सारा मेकअप मैंने आपके फेस पे लगा दिया है, आखिरी डिबिया बची है मेकअप की, कि ये भी लगा दूं आपके मुंह पे? हाँ इसको भी मेरे चेहरे पर लगा दो ना, देखो कुछ फर्क तो पड़ेगा ना आखिर को। आंटी समझने की कोशिश करें, मैं इससे ज्यादा आपको खूबसूरत नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, मेकअप वेकअप करना तुम्हें आता ही कहाँ है? ऐसी बात नहीं है, मैंने बहुत बड़ी टॉप स्टार रीमा मीरा सना और बहुत सारे लोगों का मेकअप किया है, जिसको हाथ लगाता हूँ बहुत खूबसूरत लगता है और मेरी तारीफें यहाँ वहाँ हर जगह करता है, लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही हो गया है। क्या मतलब? मतलब फर्क तो पड़ा है, मेरे मेकअप को सारा का सारा यहाँ पे खत्म हो गया। वैसे कमाल है, है ना? ये एक छोटी सी जिंदगी है तो क्यों ना इसमें फिल्म स्टार सना के साथ एक सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ श्योर। ये मोबाइल। तुम पागल हो गए, उस मोबाइल से सेल्फी लोगे? इसमें तो फ्रंट कैमरा ही नहीं है। ओ, ओ महंगा वाला फोन मैं घर भूल आया हूं। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं अपने फोन से ले लूंगी। हां पकड़ो। नहीं सेल्फी मेरी है कि तुम्हारी? खैर जाओ। हो गए पिक्चर, खाने की तैयारी करो। पिक्चर्स कितना थक जाती होगी ना इस तरह से तस्वीरें खिंचवा खिंचवा के, मना क्यों नहीं करती? अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, कोई इतने प्यार से बोले अगर तस्वीर के लिए, हम आर्टिस्ट होते ही इसीलिए। आपका नहीं होता है। मोटी आती हूँ मैं, इतनी प्यारी हो गई हो, बिल्कुल कम हो गया वेट तुम्हारा। अपनी फेस देखेगी। नीलम अब हम साथ काम नहीं कर सकते, मैं जा रहा हूँ, मैं रिजाइन कर रहा हूँ।
क्यों, अब क्या हुआ? तुमने उस मुन्नी आंटी को मेरे पास क्यों भेजा? इसलिए कि वो मुन्नी आंटी हम दोनों के सर में दर्द कर रही थी। आप दोनों के तो सिर्फ सर में दर्द हुआ है, जो मेरे मेकअप के साथ हुआ उसका क्या? क्या हुआ तुम्हारे मेकअप के साथ? ये पूछो क्या नहीं किया मेरे मेकअप के साथ। अरे नीलम पता नहीं यहाँ क्या क्या चल रहा है, अब मुझे चलना चाहिए। नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, आदिल भी आता होगा ना, क्यों जा रहे हो, अभी तो पिक्चर्स भी लेनी है। संभल के जाइएगा उस मुन्नी आंटी से। कहाँ से आ रहे हो? या खुदा आप कौन है? क्या मैं आज वाकई इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि तुम मुझे पहचान ही नहीं सके? पहली बार जिंदगी में सच बोल रहा हूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हाँ देखो ना, चेहरी तो मेरी इस बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। वो बेचारा कैसे यकीन करेगा, उसने पहली दफा इतनी खूबसूरती देखी है। वैसे आपको इतना तैयार किसने किया है? चेहरी ने। वैसे वो सारे तजर्बे आप पे ही करता है। और हाँ, वैसे भी सब आहिस्ता आहिस्ता इस खूबसूरती को देखने के काबिल हो जाएंगे। सुने अब मुझे जाने दे, अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ खड़ा रहा ना तो ये खाना किसी खाने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा भाई जाओ। चेरी चेरी सुनो, ये मैं खाना ले आया, ये प्लेट में ऐसे खाना कि ज्यादा लगे। क्या मतलब, इतना कम क्यों लाए हो? अरे लाया ज्यादा था, सिर्फ भूख लगी थोड़ा सा खा लिया। तो ये भी तुम खा लो। क्या ओके मैं हाँ सुन ली, तुम ना सुन के क्या बचेगा, तू जो ये डाल मैं खा ले और भी ज्यादा। ओहो अच्छा सुन, इतना सा खाना मैं क्या करूँ इस खाने का? जैसे भी मैं करूँ सब बर्तनों में चाय लाना ठीक है। और सुनो लेके ऐसे डालना के बहुत बहुत लगे ठीक है, मेरे को भी पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारी मेरी बात है ठीक है। बहुत बात है तुम्हारी बात है और लेकिन आपसे ठीक है ये। हाँ 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 बस बस तुम जाओ, मैं ले आऊँगा खुद ही। जाओ तुम प्लीज़ मेरे सर पे ना बैठो। ले आना। हाँ हाँ ले आऊँगा, जान छोड़ो बाय। ये चाय के साथ चावल भी खाओ। मेरी गाड़ी रिपेयर हो गई होगी? हाँ हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। अरे जिसको मेरे हाथ लगे और वो गाड़ी ठीक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मैकेनिक भी हो? हाँ हाँ ये मैकेनिक ही बेहतर है। तुम इतने सारे काम करते हो, मुझे कभी बताया नहीं तुमने। बेकार मुबाश कुछ किया करो, कपड़े फाड़ कर सिया करो, यही काम है इसके। और तुम बची हुई चाय पिया करो। तुमसे तो बात ही नहीं मैंने करनी। ओ चेरी ओ आराम से अपनी हालत देखिए भले। अपनी देखो हालत। ओ हेलो तुमसे अच्छा हूँ, लोगों को भूत नहीं बनाता। बस कर दो, अपने आप को कभी शीशे में देखा है? मुझसे खूबसूरती में जीरो हो। ओ ऐसी खूबसूरती चाहिए ही नहीं जिसका पता ही नहीं चलता। जेलिस जेलिस ही मत करो। हाँ जेलिस मैं तुझसे होऊंगा, बस कर दो। शीशा देखा है आपने? मुझे शीशा देखने की क्या जरूरत है? तो मुझे देख लो बस, खूबसूरती का अंदाजा हो जाएगा। हाँ। लड़ना बंद करो। क्या हो गया? बहुत प्यार है आपस में इनमें, जाहिर है वो तो दिख ही रहा है। प्लीज अगर मेरी गाड़ी बन गई है तो ले आए, मुझे देर हो रही है, शूट पर जाना है। बस अभी लाया तो आगे चाय पी। ये गाड़ी ठीक कर देंगे ना? हाँ हेलो भाई। ओ भाई ओ हेलो ओ भाई जा यार मेरी गाड़ी नहीं है यार। बहुत अच्छा लगा बिन बुलाए मेहमान का आना, बस ऐसी आती जाती रहना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यूं अचानक तुमसे मिलके। खाना भी बहुत अच्छा था। हाँ थैंक यू। अरे मेरी गाड़ी आ गई, ठीक हो गई? वो क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मेरी नजर में तो ये
गिरा हुआ भी है। ओफो, ये एक्टिंग का ऑडिशन देना बंद करो, बताओ बात क्या है। वो सना मैडम, गाड़ी बाहर नहीं है। बाहर नहीं है तो कहाँ है वो? जब मैं गाड़ी के पास गया तो वो चलने लगी, चलते चलते चली गई, मतलब चोरी हो गई। हाँ, व्हाट आदिल?